गाइस हम ग्लेशियर ट्रैवल कर रहे हैं, क्रेवास में जा रहे हैं, कहीं घुस गए तो उसको कैसे इवैक्यूएट करना है, कैसे बाहर निकालना है। ठीक है, एक तो जैसे रोक से तो आप चैनल बना के चल रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो आप प्रैक्टिस करोगे वो इंडिविजुअली करोगे। ठीक है, अरुण का है एक आइस पिटन लाओ। अभी देखो अभी वाला जो सरफेस है ये पूरा थोड़ा फ्लैट है, ठीक है, थोड़ा अगर डायगोनली सरफेस है तो हम इसको आइस नहीं क्या करते हैं, इसको अब जाएंगे हम 90 to 95 degrees, है ना, जो हम स्नो में कर रहे थे 45 डिग्री एंगल में, पर इसमें अब ग्रेडियंट चेंज होता है। अगर हम जैसे उधर आपने किक स्ट्रोक कल किया तो जितने भी पैटर्न लगे थे 90 to 95 डिग्री एंगल में थे, यहाँ पे भी सेम वैसे करना है। एक्स स्ट्रोक सबसे पहले ऐसे आपने साफ किया जहाँ पे भी लगा रहे हो, उसके बाद एक किक करना है छोटा सा, इसको इस ग्रिप में देखो इस साइड पर, अब इधर नहीं रखना, इधर रखोगे तो ये पूरा उधर वेट डाल देगा और निकल जाएगा। ठीक है, इसको अब इस साइड पे रखा और हाथ से थोड़ा प्रेशर देना डाउन पर, पूरा मिक्स करना। ठीक है, जब इतना टाइट हो जाएगा फिर इसको सीधा करना, जिस साइड कैजुअलिटी हुई है, जिस साइड फॉल हुआ ये रहेगा उस साइड, उसके अपोजिट नहीं रहेगा इसका। कौन जाएगा कैजुअलिटी, हैं, आओ आओ, कौन नीचे कौन जाएगा कैजुअलिटी बन के, बाकी जुमार जुमार अरुण भाई, अरुण भाई थोड़ा ऐसे साइड में रहना, आप लेना अपना भी दिखाना आपने यार। हाँ अरुण भाई, ओ अरुण भाई आ जा, अब अपने को अपना भी दिखाओ ना यार, सामने क्या हो रहा है आपका, भी आप भी आओ ना इधर सामने जैसे थोड़ा। अब ये क्या करेगा, ये नीचे नहीं छोड़ेगा, लॉक है ना ये, अब इनको नीचे नहीं जाने देगा। ठीक है, जाओ आप जाओ नीचे आओ, आराम से जाना, अब ये फॉलो हो गया ना, और यहाँ अब ये लॉक हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, जेड पुली बताया ना, ये सर अब जेड पुली बनानी है। अब जेड पुली कैसे बनेगी, उसके लिए आपके पास या तो या फिर झुमार लाओ, झुमार सेकंड वाली उसी में ना, उस रोप में इसमें फॉल हुआ है। ठीक है, अब देखो अब ये यहाँ लगेगा। ठीक है,
यहाँ पे तुम्हार लग गया हमने सर। इसके साथ में जी सर, और इस वाले लूप रोप को फॉलो करेंगे ना सर, ये रोप पास करेंगे हम अब। हाँ जी सर, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आप देखो आपको दो तीन चीज़ें कर सकते हैं। अगर खुली है तो पुली का यूज़ करो, पुली नहीं है खाली कैरेबिन को भी आप कर सकते हैं। हाँ, अभी पुली यूज करेंगे या कैरेबिन जो है आप ना। ओके, अब देखो पकड़ो ना, अब क्या करना है, अब जहाँ जो जितना ज़्यादा फॉल हुआ है ठीक है, जहाँ तक आपको सेफ फील होता है वहाँ तक। अब ये जो सेकंड क्लाइंबर है ये सबसे पहले तो अपने आप को एंकर करेंगे। अगर ये ऐसी पोजीशन पे बैठे हैं जहाँ पे इनको लग रहा है कि मैं भी गिर सकता हूँ, उनको मिले देंगे, तो ये पहले अपने आप को वहाँ पे सेल्फ एंकर करेंगे। और ये एंकर उनका सेल्फ एंकर इतना लंबा होगा कि वो वहाँ तक पहुँचने के लिए वो वहाँ और वहाँ तक पूरा करेगा। ये सेल्फ एंकर इतना लंबा रहेगा। ओके, तो फिर क्या करेंगे, ये अब इसको पकड़ के आगे ले जाएंगे। ये इतना ऐसे तक जितना आगे जाएगा उतनी जल्दी आप इसको इवैक्यूएट कर पाओगे, खींच पाओगे ठीक है। जितना पीछे रहेगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना, जितना आगे ले जाओगे उतना जल्दी। चलिए अब देखो, हाँ अब सेकंड राउंड में पुली के साथ करेंगे। ये वाला तो साथ जेट पे वाला साथ ठीक है, ये आप इन लोग जुड़े करेंगे। अब एक है दूसरा, कौन सा सेल्फ रेस्क्यू, है ना, सेल्फ जाओ सेल्फ रेस्क्यू पकड़ो इसको, उसके बाद ग्रुप रेस्क्यू है ना। अब सेल्फ रेस्क्यू में क्या करेंगे, जेट टूली, जेट टूली है ना, ये जेट टूली इजी सिस्टम जो है ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, सेल्फ में जैसे आप पूछेंगे ये ठीक है नहीं है, अगर ये बोलते हैं कि ठीक है आई एम ओके, तो ये खुद से ऊपर आएंगे, आप यहाँ से इसको सपोर्ट देंगे ठीक है, सेल्फ रेस्क्यू। उसके लिए इनके पास क्या होना चाहिए, ना या फिर तो सीट, ये चीज़ें इनके पास ऐड होनी चाहिए, वो इनके सीट आपने इसके साथ अटैच करेंगे, तो ये अपने आप को सेल्फ रेस्क्यू करते हुए ठीक है। दूसरा ग्रुप रेस्क्यू ठीक है, ग्रुप रेस्क्यू में तीन चार आदमी आएंगे इनको खींचेंगे। नहीं ज़्यादा कुछ नहीं, अगर आपको जुमार लगाना है तो आप लगा सकते हो, लेकिन वो फिर जेट पुली का शेड लेगा। ये जैसे कुछ मेथड है, आपके पास इतना टाइम नहीं है ठीक है, तो आप उसकी पूरी टीम लेके आए और उनको एक साथ कैसे ना सिर्फ इसी सिस्टम। दूसरा है आप रनिंग वाला ठीक है, रनिंग उसके लिए इसको टाइट किया मैंने। अब देखो जब रनिंग रेस्क्यू कर रहे हो तो हो गई, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस एक डेढ़ फीट रखना है आपने, नॉर्मल इसमें लगा सकते हो आप टाइम, लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसे आते हैं ना, जैसे उसने कल क्वेश्चन किया था दो ही मेंबर होते क्या करेगा, तो जब दो ही मेंबर होते हैं वो एडवांस टेक्निक है। उसमें क्या होता है कि अगर आपका जैसे उनका फॉल हो गया रेस्पेक्ट रखना, दो ही मेंबर क्या करूँगा अपनी सीट आपने से उसको निकालना ठीक है, और मैं यहीं पर लेटे लेटे इसको लगाऊंगा। मैंने एक एंकर बना दिया लेटे लेटे ठीक है, और मैं यहीं पर दूसरा एंकर बनाऊँगा, ये पैरेलल लगेंगे। लेकिन आइस में क्या रहता है कि ये ब्लॉक होते हैं, एक डेढ़ फीट के ब्लॉक होते हैं, जितने भी हैं बीच स्टडी या सासी बनानी है उनको ब्लॉक के पीसीज होते हैं, उनके बीच में क्रैक होते हैं ठीक है, उनका गैप होता है, तो एक से डेढ़ फीट के गैप में वो ब्लॉक बने होते हैं। तो इसको कोशिश करो आप एक डेढ़ फीट में लगाओ ठीक है, थोड़ा उस साइड थोड़ा सा
ये बनेगा किसके लिए? रनिंग वेस्ट के लिए। जैसे वो दो ही मेंबर थे, एक फॉल हो गया, दूसरे ने वेस्ट किया, अब उसने ब्रेक को और उसको नीचे ले जाना, वो अपनी चेस्ट के पास ही इसको लिफ्ट करेगा, दोनों को इसको इंसर्ट करेगा, उसके बाद वो दुबार लगा के लॉक करेगा, फिर वो नहीं है, उसके बाद वो नीचे जाएगा। जैसे या तो इसको सेल्फी पर लंबा चाहिए होगा, ठीक है, सेल्फी पर लंबा चाहिए, फिर ये कर रही है, उसमें रेपल डाउन करके नीचे जाएंगे और नीचे से अपने साथ एक घुमा रहे हैं। कौन जा रहा है नीचे? अब जाएंगे टिप्स लिंक है इसको बचा के लाना। हाँ, रनिंग रेस्क्यू है ना, इसमें आप नीचे जाएंगे, ये कुछ बोल नहीं रहे हैं, ठीक है, समझिए, आप इनको पूछेंगे, चेक करेंगे, उसके बाद इनको वापस लाएंगे सिचुएशन में। हाँ, अभी जैसे इनका फॉल हो गया लास्ट वाले का, तो ये वापस जा रहे हैं, ये जुमार आपके साथ अटैच रहेगा, अगर जुमार नहीं है तो आपके पास क्या रहेगा? जैसे अभी तो जैसे मान लो दो ही सिलेंडर है, उसके लिए जैसे तीन भी है चार भी है तो भी चलेगा, तो उसमें क्या होगा, अभी इसकी तो फॉलो हो गया, ठीक है, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे टेंशन में रेस्ट करके बैठा, मान लो दूसरा फॉलो या टेंशन में रहता, अब तीसरा आगे फ्री है, वो आएगा, वो यहाँ पे इसको फिट करेगा, कंसल्ट करेगा, उसके बाद वो रनिंग रेस्क्यू के लिए नीचे यहाँ पे भी तो लॉक होगा ना, फिगर हाँ अब लॉक होगा, अब यहाँ पे आपको चाहे जो भी नॉट आती है, फिगर वेट आती है, कोई और आती है, हाँ। आप उससे लॉक करो, वो भी नहीं आती, आपके पास अगर जुमार है कुछ है तो आप जुमार से भी ऐसे लॉक करके अपने आप को रख सकते हैं, लेकिन आना आपको कैसे है ऊपर को जुमार से, उसके लिए आपको दो जुमार चाहिए या फिर प्रोसीक प्रोसीक है, उसके सारे आ सकते हैं, अगर नहीं है सिंपली आप मान लो फिगर ऑफ एट लगा, फिगर ऑफ एट लगाते हैं, यहाँ पर आपने लॉक करके रखा अपने आप को, एक
पहले जान नहीं होना नीचे ही जाते मेरे बिना है ना करो बिना रो तो नहीं है सर जी यहाँ पे सर पे रैपल मोड़ में जाएंगे आप नीचे ना रैपल करते हुए जाएंगे ये वहाँ उस तक फेंकनी है जहाँ वो फॉल हुआ है उस तक पहुँचनी चाहिए है ना और डाउन डाउन फ्लैट को दिखा के डाउन अब लेट जा ए अरुण लेट जा क्रम पहुँचा दीजिए ब्रो देखते हैं अब मान लो अरुण अनकॉन्शियस है फॉल हुआ है ठीक है अभी ये इसको चेक करेगा चेक करने के लिए यहाँ देखा अभी नवीन अब जो आपके पास जुमार है ना आपको जुमार क्लिप करना है इस पर ताकि आप इस पर हैंग हो जाओ उल्टा ब्रो हाँ अब दोनों हाथ छोड़ सकते हैं आप ना छोड़ सकते हैं आप अब हैंग हो गए है ना हो गए हाँ जो इनको खाना पीना चाहिए दाल मखनी चाहिए पूछ लो है ना हाँ उसके बाद अब क्या करना है इनको सीधा करना है ना अपने हाथों से आप छोड़ दो आपके हाथ फ्री है आप फ्री हो है ना अब इनके पैर सीधे करने हैं आपको लेफ्ट फुट लगाने हैं है ना ताकि ये चल सके एक कंडीशन में है तो आप इनको उठा के सीधा करो फिर ये चल जाएंगे ये खुद आ जाएंगे ना आप ये अनकॉन्शियस थे ना आपने इनको सही किया उसके बाद ये आ जाएंगे है ना हाँ अगर आपको लग रहा है कि अभी ये अनकॉन्शियस है कुछ नहीं है आप ऊपर आ जाइए ऊपर आके जेड पुली बनाएंगे फिर इनको खींचेंगे इनके पास अगर है जैसे इनके पास प्रोसिक है जुमार है तो ये उसको करके आ जाएंगे जैसे ये अनकॉन्शियस है ये अभी कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप सेकंड वे में क्या कर रहे हैं जेड पुली बना रहे हैं या फिर टीम वर्क ठीक है।